तो डोसा बनाने का ऐसा बैटर आज हम सीखेंगे कि कभी हमारे डोसे फेल नहीं होंगे, हमेशा क्रिस्पी, क्रंची और करारे बनेंगे। तो चलिए सीखते हैं। मैंने यहाँ एक ग्लास ले ली है, देखिए कांच के ग्लास में नहीं ली ताकि आप देख सको। तो मैंने ग्लास में ये डोसे के जो चावल होते हैं ना वो वाले मैंने ले लिए एक ग्लास, और इसी के माप से ना मैं आधी ग्लास लूँगी उड़द की दाल। उड़द की जो साबुत वाली दाल होती है ना, जो गोल वाली, वही हमें लेना है। उसी से डोसे में जो क्रंचीनेस आएगा, क्रिस्पीनेस आएगा, इसी से आएगा। तो ये गोल वाली हमें दाल लेनी है, ये मैंने ले ली है आधी ग्लास। और अब एक ऐसी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे जो हमें इतने टाइम से ना, मुझे तो एटलीस्ट पता नहीं था, और आप लोगों को अगर पता हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। तो इसमें ना तुअर की दाल यूज़ करते हैं। मुझे लगा था चने की दाल या मेथी दाने वगैरह डालने से अच्छे बनेंगे, लेकिन डोसे वाले भैया ने मुझे बताया तुअर की दाल हमें यूज़ करना है, यानी एक गिलास चावल, आधी गिलास उड़द की दाल और उससे भी कम तुअर की दाल। तो यही इसका प्रोपोर्शन है, हमें जब भी बनाना है इसी प्रोपोर्शन से हम बनाएंगे, तभी हमारे डोसे में एक क्रंचीनेस आएगा, क्रिस्पीनेस आएगा। और मैं 5-6 घंटे के लिए इन्हें भीगने के लिए छोड़ देती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो 11 बजे मैंने दाल वगैरह से भिगा दी थी, और अब शाम के 5 बज रहे हैं और अब मैं इसे पीसूँगी। तो अब मैं एक एक करके सारी चीज़ें पीसूँगी और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एक बैटर तैयार कर दूँगी। हम जब भी डोसे और इडली या कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हमारे मुँह पे सबसे पहले बात यही आती है कि पहले जैसा स्वाद नहीं है, जैसे पहला हुआ करता था, बहुत सब पहले की हम बातें करते हैं। तो वो बस बात यही है कि पहले क्या हर चीज़ हाथ से पीसी जाती थी, हाथ से कूटी जाती थी, तो उसका स्वाद ही अलग आता था। अब तो क्या मिक्सर आ गया है और सब कुछ इतना ईजी हो गया, हम लोगों ने हर चीज़ को इतना ईजी बना दिया है लाइफ को। तो इसीलिए अब हमें ना स्वाद ढूंढना पड़ता है, यहाँ वहाँ से हमें जुगाड़ निकाल निकाल के वो पहले वाला स्वाद को हमें फिर से दोबारा लाना पड़ता है। तो अब मैंने चावल दाल और ये तुअर की दाल तीनों को अच्छे से एक बिल्कुल बारीक महीन पेस्ट बना दिया है, और एक मैंने एक डब्बे में उसे डाल दिया है ताकि मैं उसी में उसे फर्मेंट करूँगी। और अब मैंने ना एक बोल में ले लिया है पोहा। तो पोहा देखिए ऐसे दबाने से तो आधी गिलास हो रहा है, लेकिन ये फूले फूले इसीलिए एक गिलास हो रहा है। तो एक गिलास मैंने पोहा ले लिया है। तो पोहा मेरे पास में ना पतला वाला पोहा है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। नहीं तो अब जो नॉर्मल जाड़े वाला पोहा होता है वो भी आप ले सकते हो, उसे थोड़ी देर भिगाना पड़ता है। ये मैं भिगाऊंगी नहीं ज़्यादा देर, क्योंकि ये बिल्कुल गल सा गया पानी डालते ही, तो मैं तुरंत इसका ना पेस्ट बना दूँगी। ये देखिए अभी से इतना ऐसे गलने लग गया है, तो इसका मैं अभी एक पेस्ट बना दूँगी और फिर इसको भी मैं सारे बैटर के साथ में मिक्स कर दूँगी। तो ये पोहे का पेस्ट भी बनकर रेडी हो गया है। और अब आपको मेन चीज़ ध्यान में रखना है, जो है इस मिक्सचर को हम किस तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम बिल्कुल भी चम्मच का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही किसी लकड़ी वकड़ी का यूज़ करेंगे, किसी का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारे हाथों का। जी हाँ, वही पुराना मेथड हम यूज़ करेंगे, हाथों से इसे अच्छे से घोलेंगे, इसे यानी खूब देर तक फेंटेंगे हम, यानी कम से कम 3-4 मिनट तक आप इसे फेंटिए। हाथों की जो गर्मी होती है ना उसी से ये घोल बहुत जल्दी उठता है, जल्दी फर्मेंट होता है। ये मुझे डोसे वाले ने बताया कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए घोल को मिक्स करने के लिए। तो बस इस तरह से वही पुराना मेथड हमारा, तो इस तरह से हम हाथों से इसे बिल्कुल फेंट लेंगे और इसे मैं बस अब ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे के बाद ही है ना मैं आपको दिखाऊँगी ये घोल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए अभी ये इतना नीचे है, फिर बाद में आप देखना ये ना इसे ऊपर तक आ जाएगा। तो चलिए फिर 2-3 घंटे के बाद में ना मैं आपको बताती हूँ। तब देखिए 3 घंटे हो गए आराम से, और अब ये घोल देखिए इस तरह से ऊपर आ गया है। अब मैं आपको ढक्कन हटा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ऊपर तक घोल आ गया और बिल्कुल हल्का हल्का हो गया ये। तो अब इसे मैं ना हल्की चम्मच से इसे मैं हिलाऊंगी और देखिए झाग हल्का हल्के झाग होने लगे। लेकिन अभी ये घोल बिल्कुल भी तैयार नहीं है डोसे बनने के लिए, अभी इसमें एक स्टेप और बाकी है। तो एक बार मैं इसे हल्के हाथों से इस तरह मिक्स कर दूँगी ताकि घोल थोड़ा नीचे बैठ जाए और हमें पता चल जाए कि क्वांटिटी कितनी है। तो ज़्यादा नीचे नहीं बैठा है घोल। अब इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक अपने स्वाद अनुसार डालने के बाद में इसे एक बार मैं सिर्फ हल्के हाथ से घुमा दूँगी और फिर से इसे ढक्कन लगाकर मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो अब 1-1.5 घंटा हो गया है, और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये घोल कितने अच्छे से उठा है, कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है, और एक ना अच्छे से हल्की हल्की खट्टी खट्टी स्मेल भी आ रही है घोल में,
तो ये देखिए आप देख सकते हो कितने अच्छे से झाग आ गए घोल में। बस इसी तरह का हमें घोल चाहिए डोसे के लिए। देखिए झाग बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए और एकदम जो मेरा जो कंटेनर है ना बिल्कुल हल्का हो गया है, यानी पूरा झाग ही हो गया है इसमें। तो बस अब ये घोल बिल्कुल तैयार है डोसे बनने के लिए। तो क्रिस्पी करारे डोसे बनाइए और खाइए, खिलाइए अपने परिवार के साथ में, एंजॉय कीजिए। और डोसे की जो चटनी बनती है ना उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके ज़रूर से चेक कर लेना। मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स को भी आप लाइक ज़रूर से कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।